सो हेलो एवरीवन, मैं स्वाति शर्मा स्वागत करती हूँ आप सबका अपने यूट्यूब चैनल पर। तो आज की इस वीडियो में हम लोग करेंगे 2022 से 23 में जो भौगोलिक संकेत यानी कि GI टैग्स प्राप्त उत्पाद, ठीक है, कौन से स्टेट से किस आइटम को, किस उत्पाद को GI टैग मिला है वो हम देखेंगे 2023 में, ठीक है। और ये नवंबर 2023 तक के करंट अफेयर से होगा, ठीक है। स्पीडी की करंट अफेयर की जो बुक है उसकी PDF से मैं आपको डायरेक्ट ये करवा रही हूँ, ठीक है। तो बिना टाइम वेस्ट किए हम लोग GI टैग्स देखते हैं कौन कौन से स्टेट से किसको मिला है, ठीक है। तो पहला हम लोग देखेंगे उत्पाद है हमारा जलेसर धातु शिल्प, जो कि उत्तर प्रदेश से है, ठीक है। तो जलेसर धातु शिल्प का जो उत्पाद है इसको मिला है GI टैग 2023 में उत्तर प्रदेश से, ठीक है। नेक्स्ट है बेबिंका, तो बेबिंका जो है ये गोवा का है, गोवा का उत्पाद है, इसको GI टैग मिला है, ये भी 2023 का है। नेक्स्ट है उस्ता कला शिल्प बीकानेर की है ये उस्ता कला शिल्प, जो कि राजस्थान से है, इसको भी GI टैग मिला है 2023 में ही, ठीक है। एक सेकंड। नेक्स्ट है मनकुराड आम, ठीक है, ये एक आम है, एक तरीके का मनकुराड आम, ठीक है, जो कि गोवा से है, ठीक है। तो इसको भी क्या मिला है, GI टैग मिला है, ठीक है। नेक्स्ट है कोफ्तगिरी धातु शिल्प, जो कि उदयपुर से है, ये जो कोफ्तगिरी धातु शिल्प है उदयपुर की है, जो कि राजस्थान से है, इसको भी GI टैग मिला है 2023 का ही। आप देख सकते हैं ये सभी 2023 के ही हैं, ठीक है। नेक्स्ट है, एक सेकेंड में इसको हटा देती हूँ। नेक्स्ट है बंधेज कला जोधपुर से है, जो कि ये बंधेज कला है ये जोधपुर से है और राजस्थान जो है इसका राज्य है, ठीक है। तो इसको भी GI टैग मिला है बंधेज कला को, जो कि जोधपुर से है, ठीक है। नेक्स्ट है मैटिकेला, तो मैटिकेला जो है ये तमिलनाडु का है, ठीक है, जिसको GI टैग मिला है। आगे देख लेते हैं। नेक्स्ट है जदेरी नामकट्टी, तो जदेरी नामकट्टी जो है ये भी तमिलनाडु से है, तमिलनाडु का ही उत्पाद है, जिसको GI टैग मिला है। नेक्स्ट है चेदी बूटा साड़ी, तो चेदी बूटा साड़ी जो है ये भी तमिलनाडु की है, जिसको GI टैग मिला है। नेक्स्ट है अमरोहा ढोलक, तो अमरोहा ढोलक जो है उत्तर प्रदेश से है, जिसको GI टैग मिला है। नेक्स्ट है बागपत होम फर्निशिंग, तो बागपत होम फर्निशिंग जो है ये नाम से पता लग रहा होगा उत्तर प्रदेश से है, जिसको GI टैग मिला है, ठीक है। नेक्स्ट है बाराबंकी हथकरघा उत्पाद, तो ये कहाँ का है, ये भी उत्तर प्रदेश का है, बाराबंकी हथकरघा उत्पाद, जिसको GI टैग मिला है। नेक्स्ट है काल्पी हस्त निर्मित कागज, तो ये जो काल्पी हस्त निर्मित कागज है ये भी उत्तर प्रदेश से है, जिसको GI टैग मिला है। नेक्स्ट देखेंगे महोबा गौरा पत्थर हस्तशिल्प, तो महोबा गौरा पत्थर हस्तशिल्प जो है उत्तर प्रदेश से है, जिसको GI टैग मिला है। नेक्स्ट है मैनपुरी तारकशी, तो मैनपुरी तारकशी भी उत्तर प्रदेश से है, इसको भी GI टैग मिला है। नेक्स्ट है ऑथुर पान का पत्ता, तो ऑथुर पान का पत्ता तमिलनाडु से है, ठीक है, इसको भी GI टैग मिला है। नेक्स्ट है कारी इशाद आम, तो कारी इशाद आम जो है ये उत्तर कर्नाटक से है, ये आपको याद रखना है, कर्नाटक से है, इसको भी GI टैग मिला है। नेक्स्ट है अराकू वैली कॉफ़ी और काली मिर्च, ठीक है, दोनों ही अराकू वैली कॉफ़ी और काली मिर्च दोनों ही आंध्र प्रदेश से हैं, दोनों को ही GI टैग मिला है, ये आपको याद रखना है। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट है तीन चीज़ें हैं इसमें, मनामदुरई, ठीक है, यहाँ पर आप देखिए मनामदुरई, मृदभांड और कम्बम अंगूर, इन ये तीनों ही तमिलनाडु के हैं उत्पाद, प्रोडक्ट जो हैं ये तमिलनाडु के हैं और इनको जो मिला है GI टैग मिला है, ठीक है, इन सभी को। नेक्स्ट है गोंड पेंटिंग और मुरैना गजक, ये गोंड पेंटिंग और मुरैना गजक जो है ये मध्य प्रदेश से हैं और दोनों को ही क्या मिला है, GI टैग मिला है। नेक्स्ट है रीवा के सुंदरजा आम और शरबती गेहूँ, ये भी मध्य प्रदेश के हैं और इनको भी क्या मिला है, GI टैग मिला है। नेक्स्ट है लकड़ी की नक्काशी का कला, लकड़ी की नक्काशी कला जो है इसको GI टैग मिला है, ये लद्दाख की कला है, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं, ओके, नेक्स्ट है नागरी दुबराज
चावल है एक तरीके का। नागरी दुबराज जो है ये चावल का नाम है, नागरी दुबराज, ये कहाँ से है, छत्तीसगढ़ से है, जिसको GI टैग मिला है। नेक्स्ट है मर्चा चावल, जो कि चंपारण का है, इस ये बिहार से है, ठीक है, तो इसको GI टैग मिला है मर्चा चावल को। बसोली पेंटिंग को GI टैग मिला है, जो कि जम्मू कश्मीर से है। उसके बाद बनारसी पान, लंगड़ा आम, इनको भी GI टैग मिला है, जो कि उत्तर प्रदेश से है। उसके बाद है हाथरस हींग, नगीना लकड़ी शिल्प, इन दोनों को भी GI टैग मिला है, जो उत्तर प्रदेश से है, ठीक है। नेक्स्ट देखेंगे नेक्स्ट है रामनगर भंटा, सफ़ेद गोल बैंगन है। रामनगर भंटा जो है ये एक तरीके का सफ़ेद गोल बैंगन है, ठीक है। तो ये जो बैंगन है रामनगर भंटा, इसको GI टैग मिला है उत्तर प्रदेश से, ये उत्तर प्रदेश का उत्पाद है। नेक्स्ट है आदम चीनी चावल, ठीक है, आप देख सकते हैं आदम चीनी चावल और बखीरा ब्रासवेयर, तो ये जो है उत्तर प्रदेश के प्रोडक्ट है, इनको GI टैग मिला है, ठीक है। नेक्स्ट है कांगड़ा चाय, जो कि यूरोपियन यूनियन द्वारा उसको बनाया गया है, GI टैग दिया गया है, तो कांगड़ा चाय जो है ये हिमाचल प्रदेश की है, ठीक है, याद रखना है आपको। नेक्स्ट है गमोचा जो है एक तरीके का गमछा है, और ये असम का है, जिसको GI टैग मिला है। नेक्स्ट है तंदूर लाल चने, जो कि तेलंगाना के हैं, इनको भी GI टैग मिला है। नेक्स्ट है रक्त से कार्पो खुबानी, तो रक्त से कार्पो खुबानी लद्दाख के का प्रोडक्ट है, इसको भी GI टैग मिला है, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं, आई थिंक फिनिश हो गया, सॉरी सॉरी एक सेकंड, आप लोग प्लीज वेट कीजिएगा। नेक्स्ट है मिथिला मखाना, लास्ट है ये मिथिला मखाना, जो कि बिहार से है, इसको भी क्या है GI टैग मिला है, ठीक है। आई होप ये वीडियो आप लोगों के लिए यूजफुल रही होगी एवरीवन, क्योंकि GI टैग से क्वेश्चंस आते हैं एग्जाम में, और खासकर स्पीडी करंट अफेयर की बुक से कर रहे हैं, तो डाटा बिल्कुल ऑथेंटिक है और एकदम सफिशियंट है, ठीक है। सो थैंक यू सो मच।